स्किल माइनिंग एक्सीडेंट का है और एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, थोड़ा सा एनुअल रिपोर्ट डिस्कस कर देते हैं जैसे तुम लोग बोल रहे हो। इसलिए ज्यादा एसीएल में एक्सीडेंट नहीं है, चार कोई पांच या छह एक्सीडेंट है, याद रखना। एक्सीडेंट के बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एक्सीडेंट हुआ तो कैसे उसको रोका गया, क्या हुआ, ठीक है ना। सिर्फ याद रखना कि वो किस टाइप का एक्सीडेंट था, कब हुआ था, और ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सैंपल का एवेल्युएशन कितने दिन में होगा? ओके, ड्यूटीज में 2 डेज है और रेगुलेशन 169 में 3 डेज है। अरे आकाश पूछ रहा है क्लास होगा, आकाश होगा तो क्लास लाइव है। अच्छा, कल का जो हम फॉर्म भेजे हुए हैं कि माइंस रूल के अंदर जितना भी सारा फॉर्म्स है, ठीक है ना, सभी एक साथ एक जगह उसको कर दिए हैं कि तुम लोग पढ़ने में दिक्कत ना हो, और शेड्यूल जो था माइंस रूल का है। हाँ, मोबाइल में खोल रहे थे इसलिए। पहला डिजास्टर दिख रहा है, नोट कर लेना आराम से, चीना कोरी कोलियरी डिजास्टर, ठीक है। ये कब हुआ था ये नोट कर लो, ईयर नोट कर लो कम से कम, और रीजन क्या था। रीजन इसका था गैस एक्सप्लोजन। अभी डिटेल में उतना बताने का टाइम नहीं है कि गैस एक्सप्लोजन कैसे हुआ था, कैसे वहां बचाया गया था, ठीक है ना। सिर्फ नोट कर लो कि अगर एग्जाम में आएगा तो मार देना, ठीक कर देना आंसर, ठीक है। चीना कोरी कैसे हुआ था, वो गैस एक्सप्लोजन के कारण हुआ था। ठीक है, फरवरी 19 फरवरी 1958 को हुआ था, जिसमें 182 आदमी का डेथ हो गया था। कुल्टी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कुल्टी है ना, जहाँ पे मैथन है ना, मैथन के थोड़ा आगे पड़ता है तिलानेश्वरी मंदिर है ना बंगाल में, उसी के आसपास एक कुल्टी जगह। उस टाइम था कि 1958 की बात थी, तो कंपनी किसके अंदर था उस टाइम, वो बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड के अंदर वो कंपनी था। ये गैस एक्सप्लोजन के कारण हुआ था, ठीक है। वही लिखा हुआ है, अलग जगह डाटा लगा, कितना आदमी मरा हुआ है कभी नहीं पूछेगा। अब मेन डाटा ये है, ठीक है ना, 19 फरवरी ये है ना। हाँ, ये किस कारण से हुआ था, रीजन क्या था, गैस एक्सप्लोजन। सेकेंड है महावीर कोलियरी एक्सीडेंट। महावीर कोलियरी में बहुत इंटरेस्टिंग, अभी इसके ऊपर शायद एक अच्छे कुमार मूवी बनाने जा रहा है, महावीर कोलियरी के एक्सीडेंट के ऊपर ही, ठीक है ना। इसी में जो तुम लोग पर सुने होगा नाम जसवंत गिल, जो लास्ट ईयर ही जिनका डेथ हुआ है, जसवंत गिल, जसवंत ही नाम था ना, एक गिल नाम आया था, टाइटल गिल था, गिल कैप्सूल बनाए थे। ये जो हुआ था इनंडेशन के कारण, इनंडेशन, ठीक है ना। कमेंट देखना ही भूल जा रहे यार तुम लोग का। महावीर कोलेरी में क्या था कि देखो क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माइनिंग इन इंडिया 65 माइनस ट्रैप्ड बिलो ग्राउंड कुड बी रेस्क्यूड थ्रू ए लार्ज डायमीटर बोर होल ड्रिल फ्रॉम द सर्फेस। टोटल 71 आदमी इसमें फंस गया था, माइन से पानी भर गया था, टोटल 71 आदमी ट्रैप हो गया था, लेकिन उसमें से 65 का रेस्क्यू कर लिया गया। गुड मॉर्निंग जय, ठीक है। इसलिए इस एक्सीडेंट को बहुत ही ज्यादा याद रखा जाता है। गिल कैप्सूल एक बनाए थे, कैप्सूल मतलब क्या, इसमें क्या हुआ था, माइंस में अचानक से पानी भर गया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान लो ये डीप एरिया था, इधर अचानक से पानी भर गया, 71 वर्कर काम कर रहा था, ठीक है ना। तो सब क्या किया, राइट साइड अपना वो सेफ जगह पर भागना स्टार्ट किया, तो डीप पे पानी भरेगा तो राइट साइड ही सारे लोग भागेंगे, है ना। तो जो 71 वर्कर काम कर रहा था, पता नहीं इस जगह पे 65 ही पहुंचा या 71, जो भी था, सारे वर्कर इधर राइट पे आ गया। यहाँ पे क्या था, बातचीत करने के लिए एक टेलीफोन का व्यवस्था थी, टेलीफोन था या नहीं था ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, टेलीफोन का पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। फिर जो ओपन का मतलब ऊपर में पता चला कि यार इतना वर्कर फंस गया, माइन से पूरा पानी भर गया, पानी पूरा इस लेवल तक आ गया, ठीक है ना, मतलब वर्कर पानी को हाथ से टच कर सकता था, ऐसा सिचुएशन था, लेकिन पानी इसके ऊपर नहीं गया था। तो फिर सरफेस से एक बड़ा सा बोर होल किया गया,
इसमें केज डालकर, ये गिल जो थे ना, गिल उस टाइम कुछ थे माइंस मैनेजर, जीएम या कुछ थे, उस पोस्ट पे थे उस टाइम गिल, ठीक है। तो फिर जस्ट एडजेसेंट में एक बोरहोल ड्रिल करके वहां से एक केज जैसा उसको नीचे लाया गया। मैं 2 से 3 दिन लग गया था इसको करने में, बोरहोल ड्रिल करने में, कोलियरी इंजीनियर थे ना गिल, ठीक है। 2 से 3 दिन लग गया था ये सारा काम करने में वहाँ पे। और लास्ट में सोचे कि अगर केज भेज देंगे तो सारा का सारा वर्कर क्या करेगा, वो बोलेगा कि अरे यार हमको जाना है फर्स्ट, हमको जाना है। तो उस केस में वो खुद केज से नीचे आए और एक एक करके सब वर्कर को ऊपर भेजना स्टार्ट किया। लास्ट में आने वाले व्यक्ति कैप्टन गिल थे। तो इसमें से पता चला कि 71 आदमी नीचे था, लेकिन 63 आदमी ही निकल पाया, 6 आदमी कहीं पानी वगैरह में वो डेथ हो गया दोस्तों, ठीक है। इसलिए एक एक्सीडेंट को याद रखा जाता है महावीर कोलियरी, कैप्टन गिल के कारण ही फेमस हुआ कि वहां पे रेस्क्यू कर लिया गया था बहुत सारे आदमी, 63 आदमी का, ठीक है। कैप्टन गिल देखना फेसबुक में इनका पेज भी, मतलब फेसबुक में पहले तो फेसबुक चलाते थे, लेकिन अब इनका फेसबुक जो है इनका बेटा लोग हैंडल कर रहे हैं, कुछ कुछ इनको प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। ये एक्सीडेंट कब हुआ था, 13 जनवरी, 13 नवंबर 1989 को, 1989 को, ठीक है। महावीर कोलियरी एक्सीडेंट, इसमें रेस्क्यू कर लिया गया था, ठीक है। हाँ इसमें वो ये भी था कि 71 आदमी बदला हुआ था ना, तो सब लोग क्या कर रहा था, एक बार में एक ही वो लोग अपना कैपलैंप यूज कर रहा था, एक बार में एक लाइट के लिए कैपलैंप यूज किया जा रहा था, बोरहोल जो ड्रिल किया था उसके थ्रू खाना भी भेजा गया था उसके। कुछ शायद टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वगैरह कुछ था वहां पे, अवेलेबल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन था शायद अवेलेबल, जिसके कारण पता चल पाया कि हाँ, नहीं तो फिर होता है ना, मान लो भी नॉर्मली कि माइंस वगैरह कहीं एक्सीडेंट होगा, पानी भर गया, तो हम लोग माइंस वगैरह को बता के रखते हैं ना जी कि डीप में नहीं भागना है, जब भी भागना है राइज में भागना है। एग्जैक्ट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी उस पर्पज से नहीं आए, डिटेल बताने के लिए नहीं आए हैं। डिटेल डब्ल्यू सी एल का देखते हैं, डब्ल्यू सी एल डिटेल बता देंगे, ठीक है। डब्ल्यू सी एल का एग्जाम तो होने वाला है, जब होगा पता नहीं, डब्ल्यू सी एल का एक्सीडेंट वाला का हम डिटेल बताएंगे, क्योंकि हम डिटेल भी इसका अभी कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है। सिर्फ कौन कौन सा एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ है, ये अगर एग्जाम में आए तो पूछ दे, ठीक है। मतलब मिल जाती है, रीजन क्या था, इनंडेशन, ठीक है ना, इनंडेशन लिखी दी है। ओपन नहीं हो रहा है क्वेश्चन। एक न्यू गेंदा कोलियरी था, ये एक्सीडेंट कब हुआ है, 25 जनवरी 1994 को, मतलब 1994 याद रखना। यहाँ पे क्या हुआ था, 55 आदमी का डेथ हो गया था। ये किस लिए डेथ हुआ था, माइन फायर के कारण। सोचो आग लगने से 55 आदमी का डेथ हो जाना, ऐसा केस इंडिया में कभी नहीं हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो एक्सीडेंट था न्यू केंद्र कोलेरी का, 55 आदमी आग में जलकर, सोचो आग से जला या सीओ गैस प्रोड्यूस हो गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग फायर सीओ गैस, है ना। क्या है, ऑन 25 जनवरी 1994 एट अबाउट 3:30 PM ए फायर ब्रोक आउट इन द वर्किंग ऑफ डोबराना सीम एट न्यू केंद्र कोलेरी। द फायर ऑकर्ड इन द मेन इनटेक एयरवे क्लोज टू द डाउनकास्ट शाफ्ट, अ स्मोक एंड नॉक्सियस गैसेस फ्रॉम द फायर स्प्रेड टू द वर्किंग प्लेस। देखो यहाँ पे क्या है, इनटेक शाफ्ट के नजदीक ही आग स्टार्ट हुआ था, है ना, डाउनकास्ट शाफ्ट के नजदीक। अगर ये होता कि फैन तुरंत तो वहां पे अगर रिटर्न, मतलब अगर एग्जॉस्ट फैन था जिसको फोर्सिंग बना देता, तो ये माइन से पूरा फायर फैलता नहीं, ठीक है ना। फैन अगर रिवर्सल हो जाता है यहाँ पे, तो ये माइन से पूरा आग फैलता नहीं, तो क्विक एक्शन नहीं ले पाया। अ स्मोक एंड नॉक्सियस गैसेस फ्रॉम द फायर स्प्रेड टू द वर्किंग प्लेसेस एंड कॉजेस डेथ ऑफ 55%, ठीक है ना। तो नॉक्सियस गैसेस मतलब सीओ के भी कारण हो सकता है, स्मोक के कारण, फायर के कारण क्या हुआ, सीओ स्मोक वगैरह प्रोड्यूस हुआ, इसे कारण डेथ हो गया, ठीक है। देखना किससे पूछा है, माइन फायर हो सकता है, सीओ स्मोक, ठीक है ना। मतलब आग लगने के कारण क्या हुआ, सीओ गैस प्रोड्यूस हुआ, धुआं प्रोड्यूस हुआ, स्मोक प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण आदमी सफोकेशन से, कुछ आदमी आग से भी जलकर मर गया हुआ। तो तीनों केस देखना ना, कौन सा, तीनों आंसर तो देगा नहीं कि सीओ कारण हुआ या माइन फायर कारण हुआ या स्मोक कारण हुआ है, ठीक है ना। बाकी यहाँ अगर दे देगा कि हाँ एक्सप्लोजन, इनंडेशन, रूप फॉल या फायर, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन तो फायर टिक करना है। अगर चौथा ऑप्शन दे देगा सीओ के कारण, ठीक है ना, या स्मोक के कारण हुआ है, ये टिक कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख के टिक करना है, ये मेनली ये जो है फायर के कारण, ठीक है ना, फायर याद रखना, फायर के कारण ही सीओ और स्मोक वगैरह प्रोड्यूस हुआ था। तो ये डिजास्टर क्या है, न्यू केंद्रा कोलियरी ना, चीना कोरी जो है ना वो एसीसीएल में आता है यार, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, चीना कोरी कोलियरी। चीना कोरी कौन बोल रहा है यार, बीसीसीएल में चीना कोरी नहीं है, बीसीसीएल में कैसे बोल देते हो, चीना कोरी कोलियरी डिजास्टर है ना, ये कहाँ है यार ये। अच्छा ये भी तो किसके बारे में पूछ रहे हो, चीना कोरी तो एसीएल में आता है, जब स्टार्टिंग में बताए हैं यार, चीना कोरी तो एसीएल में, मेरे दिमाग में था कुछ दूसरा यार, चीना कोरी एसीएल में, पहला तो वही है ना, चीना कोरी कोलियरी डिजास्टर गैस एक्सप्लोजन कारण, ठीक है। न्यू गेंदा हो गया, और लेटेस्ट लेटेस्ट जो अभी ईसीएल में जो एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, है ना, राजमहल कोल माइन में, इसमें क्या हो गया था, डंप का स्लाइड कर गया, डंप स्लाइड कर गया था, ओबी डंप का फेल्योर हो गया था, फेल्योर
फेल हो गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, ओबी डंप में जब भी होता है ना तो सर्कुलर फेलियर होता है। हाँ चिरमिरी आता है एसीसीएल में, चिरमिरी, वो चिरमिरी हम समझ लिए थे इसलिए। ठीक है, इसमें यही कुछ एक्सीडेंट दिया हुआ है। इसके पहले का डेट देख लो क्या है। ठीक है, तो ये 5 याद रखना सिर्फ एग्जाम के पर्पस से, डिटेल नहीं बता रही, टाइम भी नहीं ना हम लोग पास। चीना कोरी कोलियरी गैस एक्सप्लोजन कारण हुआ था, महावीर कोलियरी इनंडेशन कारण हुआ था, जहां पर 65 आदमी का रेस्क्यू कर लिया गया था कैप्टन गिल के द्वारा, वो एक कैप्सूल बनाए हुए थे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। ये कब हुआ है, 1989 में। न्यू केंदा कोलियरी डिजास्टर, ये फायर के कारण हुआ था, ये कब हुआ था, 94 में। अच्छा अधिकतर एक्सीडेंट कब होता है यार, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में होता है क्या? यहाँ फरवरी का है, ये नवंबर का है, ये जनवरी का है, ये दिसंबर का है। मार्च अप्रैल में एक्सीडेंट नहीं होता है क्या, डिजास्टर वगैरह? अरे स्टार्टिंग में ये देखो चासना लगा भी कब है, दिसंबर का ही डेट है ना। और मेरे भी माइंस में एक बार एक्सीडेंट हुआ था, फेटल एक्सीडेंट 20 दिसंबर को ही हुआ था, 2019 को, 2018 को हुआ था। एक ही ये चासनाला हो गया, और एक धोरी का याद रखो, ठीक है ना। धोरी में हुआ था फायर डैम्प एक्सप्लोजन, ये कब हुआ था, 1965 में, जिसमें 268 आदमी की डेथ हो गया था। ये ध्यान रखना, ये सब फेमस है ना कुछ इसलिए। चासनाला का भी लिख लेना, इनंडेशन कारण हुआ था, ठीक है ना। तो धोरी खास से कोलियरी में जो एक्सीडेंट हुआ था, फायर डैम्प एक्सप्लोजन कब हुआ था, 1965 में हुआ था, जिसमें 268 आदमी की डेथ, 268 आदमी का डेथ हो गया था, ठीक है ना। एक नोट करना अलग से, डिजास्टर पूछने का देखो कितना मजा आना चाहिए। देखो ईसीएल का भी जो हम लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, एनुअल रिपोर्ट, जैसे क्या था, ये जो एनुअल रिपोर्ट अभी अवेलेबल है वो 2020, नोट कर दे, नोट कर लो, 4 साल वाला पेज। ना ना कितना परसेंट डेथ हुआ ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा डिजास्टर किसको बोलते हैं बताओ तो, वहां पे फायर डैम्प एक्सप्लोजन और साथ में कोयल डस्ट एक्सप्लोजन दोनों हुआ था। हाँ एक याद रखना, जैसे हम लोग बोलते हैं फेटल हो गया, सीरियस बॉडली इंजरी हो गया, रिपोर्टेबल इंजरी हो गया, तो क्या है कि अगर 10 या उससे ज्यादा होता है ना डेथ, तो उसको डिजास्टर में काउंट होता है। तो वो किस में काउंट होता है, डिजास्टर। मोर देन 10 या 10 लेकर है यार, वो एलसी कबो का बुक का जो पीडीएफ हम शेयर किए थे उसमें दिया हुआ है, एक बार वहां चेक कर लेना, ठीक है ना। मोर देन 10 है या, ठीक है ना, डिजास्टर हो गया। ये ध्यान में रखना, माइनर इंजरी का भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। वैसे क्या था कि माइनर, माइनर इंजरी में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर 5 या 5 से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व होता है ना, इसका भी रिपोर्ट हम लोग उसी तरीके से सेंड करेंगे जिस तरीके से हम लोग रिपोर्टेबल, मतलब क्या बोलो, फेटल एक्सीडेंट रिपोर्टेबल इंजरी जिस तरीके से रिपोर्ट सेंड करते हैं, उसी तरीके से माइनर इंजरी का रिपोर्ट सेंड करेंगे, अगर 5 या 5 से ज्यादा हो जाता है तो। मेजर एक्सीडेंट में 10 या 10 से ज्यादा, ठीक है ना, 10 या 10 से ज्यादा, तो वो डिजास्टर बोलते हैं। अच्छा मेजर एक्सीडेंट पूछ रहे हो, मेजर का किसी को पता है? ये उसी में दिया, एलसी का जो बुक है ना जिसका पीडीएफ शेयर किए हुए हैं उसमें, एक बार तुम लोग मैच कर लेना, वहां पे तुम लोग ये सब डाटा मिल जाएगा। नहीं तो 1 मिनट, मेजर एक्सीडेंट, धोरी है या सीसीएल का है? धोरी सीसीएल का नहीं, धोरी सीसीएल का है, चासनाला बीसीसीएल का है, ये बोलना भूल गए ना।
धोरी है सीसीएल में, सीसीएल सेंट्रल गोल्ड लिमिटेड। ठीक है, मेजर एक्सीडेंट का कहीं कुछ दिया हुआ है? हाँ, बोकारो के पास है वो माइंस, एक बार हम देखने के लिए गए थे, मतलब सील है पूरा, माइंस बंद है वो, तो पहाड़ वगैरह एरिया हो गया है वैसा, तो दूर से ये सब बताता है सर्वे लोग, देखिए वहां पे माइंस था, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट कुछ दिया है। माइनर इंजरी, किसी के पास उस बुक का पीडीएफ डाउनलोड है तो उसमें जाकर देखना है, वो लास्ट वाले चैप्टर में, तो वहाँ जहाँ सेफ्टी से रिलेटेड है। अच्छा देखो, माइनर इंजरी क्या है, इवन माइनर एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन माइनर इंजरीज विच इन्वॉल्व फाइव और मोर पर्सन, है ना, ये फाइव और मोर पर्सन आर टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द डीजीएमएस ज्वाइंट डायरेक्टर। ठीक है सर, इवन माइनर एक्सीडेंट जहाँ पे पांच या पांच से ज्यादा आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो उसको भी हम लोग फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली रिपोर्ट करना रहता है। ठीक है, जैसे सीरियस बॉडी इंजरी होता है, फेटल होता है, डेंजरस ओकरेंस होता है, तो हम लोग तुरंत रिपोर्ट करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ है कि माइनर इंजरी अगर होता है जिसमें पर्सन 24 घंटा से ज्यादा के लिए एबसेंट रहता है लेकिन 72 घंटा से कम के लिए रहता है, और उस केस में पांच या पांच से ज्यादा आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस केस में भी उसका हम लोग रिपोर्ट तुरंत भेजेंगे। ठीक है ना, देखो इसमें सारा एक्सीडेंट के बारे में दिया हुआ है डीजी में से, है ना, न्यू केंद्र कोलियरी। देखो डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर इन्वॉल्विंग 10 डेथ्स और मोर, ठीक है ना, इसको डिजास्टर बोलते हैं। फॉर्म 4A में है ना, अगर फैटल एक्सीडेंट होता है तो फॉर्म 4A में है, तुरंत नोटिस भेजना है, और सीरियस बॉडी इंजरी भी होता है तो फॉर्म 4A में भेजना है। ठीक है, ये जो 10 और 10 से ज्यादा अगर आदमी इन्वॉल्व होता है तो ये डिजास्टर में काउंट होता है, यहां से लिख। ठीक है, और माइनर इंजरी क्या था, 5 या 5 से ज्यादा आदमी अगर इन्वॉल्व होता है तो उसका भी हम लोग रिपोर्ट डीजीएमएस ये सबको करेंगे। ठीक है ना, एक मेजर एक्सीडेंट पूछ रहे हो ना, देख लेते हैं मेजर एक्सीडेंट भी, तो सर्कुलर का ही चीज है उस मेजर एक्सीडेंट। हाँ दोनों का, जैसे कितना सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है, कितना रिपोर्टेबल इंजरी हुआ, कितना डेथ हुआ है, वो सब भेजना होगा। सबसे ज्यादा जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ना पूरा वर्ल्ड में, वो देखो यहाँ पे कितना रिजल्टिंग। अच्छा एक दूसरा कैसे, 1901 से 2007 के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ, 1200 से चाइना में हुआ था सबसे बड़ा एक्सीडेंट। तो सर्कुलर का पीडीएफ तुम लोग के पास नहीं है यार, सर्च करने का ये तरीका है कि कैसे कीवर्ड उसमें डाल दो फिर सर्च कर लो। ठीक है ना, मेजर एक्सीडेंट छोड़ो, मेजर एक्सीडेंट का देख लेना, एलसीआर को बुक में होगा नहीं तो भी छोड़ देना, उसका टेंशन नहीं। ठीक है, कुछ डाटा नहीं दिया हुआ मेजर एक्सीडेंट में कितना होता है। अच्छा हाँ ठीक है, ये सही बोल रहा है, 4 से 9 अगर एक्सीडेंट होता है ना, 4 to 9 एक्सीडेंट होता मतलब डेथ होता है, तो ये होता है मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, 10 या 10 से ज्यादा अगर डेथ होता है तो ये होता है डिजास्टर। चाइना का एक माइंस था वहां पे, भाई कोल डस्ट एक्सप्लोजन, वहाँ चाइना का जो होता है ना कोलसिम, वहाँ पे मीथेन बहुत ज्यादा मिलता है, सब माइंस वहाँ तुमको 3rd डिग्री वाला ही मिलेगा, बहुत ज्यादा मीथेन मिलता है। फेटल एक भी डेथ हो जाता है तो फेटल हो गया, एक भी डेथ हो गया तो फेटल हो गया।
फेटल मतलब मानना डेथ होता है, ठीक है। तुम लोग बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि फेटल क्या होता है। फेटल मतलब डेथ, FATAL, ठीक है ना। रिपोर्टेबल इंजरी क्या हो गया कि अगर कोई आदमी को चोट लगा है और वो 72 घंटा से ज्यादा अब्सेंट रहा है काम से, ठीक है ना। रिपोर्टेबल इंजरी तुम लोग को पता नहीं है यार। रिपोर्टेबल में क्या हुआ कि अगर कोई आदमी काम से चोट लगने के बाद 72 या ग्रेटर आवर के लिए अब्सेंट रहा है, ठीक है ना, ये हो गया रिपोर्टेबल इंजरी। माइनर इंजरी क्या हुआ, अगर कोई आदमी चोट लगने के बाद 24, मोर देन 24 लेकिन लेस देन 72, ठीक है ना, मोर देन 24 लेस देन 72, तो वो माइनर इंजरी के अंदर आता है। अगर माइनर इंजरी में 5 या 5 से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, तो जिस तरीके से कैसे रिपोर्टेबल इंजरी या सीरियस बॉडीली इंजरी या डेंजरस ऑकरेंस का रिपोर्ट करते हैं ना, रेगुलेशन नंबर किसमें दिया हुआ है, 89 में जो दिया हुआ है, डेंजरस ऑकरेंस, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस 8 में दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार हम लोग इसका भी रिपोर्टिंग करेंगे कि अगर 5 या 5 से ज्यादा आदमी माइनर इंजरी में इन्वॉल्व होता है तो उसका रिपोर्टिंग इस तरीके से तुरंत उसका रिपोर्ट मतलब फोर्थविथ रिपोर्ट देंगे इसको। कौन सा फॉर्म में देंगे, फॉर्म 4A में, जिस तरीके से सीरियस का देते हैं, रिपोर्टेबल का देते हैं, उसी तरीके से देंगे। वैसे देखो हम लोग क्या करते हैं कि रिपोर्टेबल इंजरी का फॉर्म J में देते हैं वंस इन ए क्वार्टर, ठीक है। माइनर इंजरी क्या देते हैं, वंस इन ए ईयर, है ना, फॉर्म K में। अब वंस इन ए ईयर क्या डेट दिया हुआ है ना, ऑन और बिफोर 20 जनवरी, है ना, ऑन और बिफोर 20 जनवरी फॉर्म K हो गया, ठीक है ना। अब है कि आदमी का मान लो डेथ हो जाता है, तुरंत हम लोग कौन सा फॉर्म है, माइनस वाला तुरंत फॉर्म भरता है, फॉर्म 4A DGMS, ठीक है ना, DGMS को देता है। और जो 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 रेगुलेशन नंबर 8 में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, DGMS हो गया, और कौन कौन है यार वहां पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और दो तीन को देना पड़ता है अगर एक्सीडेंट से हुआ, अगर इलेक्ट्रिकल कारण का एक्सीडेंट हो गया है तो इलेक्ट्रिकल का इंस्पेक्टर को देना होगा, ठीक है ना, चीफ इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर, सबको देना पड़ता है। तो वही फॉर्म 4A में भी इसका रिपोर्ट तुरंत भर के भेजना होगा, ठीक है ना, कि 5 या 5 से ज्यादा आदमी को माइनर इंजरी हुआ है। तो माइनर इंजरी क्या होता है कि जो काम से 24 घंटा से ज्यादा लेकिन 72 घंटा से कम अब्सेंट रहता है तो माइनर इंजरी के अंदर रहता है। और एक आता है सीरियस बॉडली इंजरी, सीरियस बॉडली इंजरी इसमें क्या होता है, परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब हाथ कट गया या लॉस हो गया, ठीक है ना, या सुनने में फोर्थविथ मतलब तुरंत, इमीडिएट रिपोर्ट तुरंत, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, बहुत जगह लिखा हुआ है क्या कि मेल करना है, ठीक है ना, मेल करने के बाद तुरंत फैक्स करना है, ये ध्यान रखना, पहले मेल करेंगे तो उसके बाद हम लोग फैक्स करेंगे, है ना। देखना एक्सीडेंट वगैरह कहीं नीचे रहता है ना, कि मेल भी कर सकते हैं, तो मेल करने के बाद एक कि रिटर्न भी उसके पास पहुंच जाए फैक्स करके। अरे ये DGMS का एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, तो DGMS के बारे में नहीं पूछेगा। वो बता तो रहे यार, चाइना के एक माइंस में हुआ था जिसमें 12 या 8 कितना आदमी मर गया था, चाइना वर्ल्ड वॉर 2 के आज टाइम में 1500 आदमी से ज्यादा मर गया था। कौन सा है, बेंजीहू होंगकेइकू कोल माइन इन लायोनिंग प्रोविंस चाइना, वर्स्ट माइनिंग डिजास्टर इन हिस्ट्री, टुक टुक द लाइव ऑफ ओवर 1500। मतलब वहां आदमी निकालने की कोशिश नहीं किया, आदमी अंदर फंसा हुआ था ना, तो और ऊपर सील कर दिया कि जाओ साला तुम अंदर ही मर जाओ, वैसा किया था। ठीक है, अभी देखो ये जो एनुअल रिपोर्ट है कब का है बता रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर इसे कंप्लीट होता है ना, तो 1 अप्रैल को जो नया नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 का, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है ना। अभी जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है 1 अप्रैल 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से जो स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 को कंप्लीट हुआ है जो फाइनेंशियल ईयर, इसका भी एनुअल रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है, इसका एनुअल रिपोर्ट अभी नहीं आया है, ये अभी पुराना वाला एनुअल रिपोर्ट। अगर तुम लोग का क्वेश्चन पहले सेट कर लिया गया होगा, अगर 31 मार्च के पहले तुम लोग क्वेश्चन सेट कर लिया गया होगा, 31 मार्च 2022 के पहले,
तो इस फाइनेंशियल ईयर के अनुसार एनुअल रिपोर्ट आएगा, ठीक है ना। जो भी डिटेल पूछेगा वो इस फाइनेंशियल ईयर के अनुसार पूछेगा। लेकिन सीएमडी को याद रखना कि प्रेजेंट सीएमडी कौन है, तो अगर लड़का लोग एपी पांडा भी टिक करेगा तो यही सही होगा। क्वेश्चन भले पुराना हो उसका आंसर वो करेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। अपना जो जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, चार ऑप्शन रहता है ना, तो ऑप्शन में अपना करेक्शन कर लेगा कि अभी करंट सीएमडी एपी पांडा है, इस टाइम के सीएमडी पीएस मिश्रा थे। तो पीएस मिश्रा के बारे में वो नहीं पूछेगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर का अगर आता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का भी एनुअल रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है ना, ये जारी नहीं हुआ है, कुछ दिन के बाद जारी होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन टारगेट था, कितना मैन पावर था, ठीक है ना। तो अभी जो भी डाटा है हम लोग के पास वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। एपी पांडा का फुल फॉर्म पूछ रहे हो, अंबिका प्रसाद था, है ना। अंबिका क्या है, अंबिका प्रसाद पांडा है ना, ठीक है। तो हम लोग 2020 2021 का एनुअल रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं, 2021 22 का भी आया नहीं है, ठीक है। तो पहला सीएमडी याद रखो, सीएमडी कौन है, अभी के करेंट सीएमडी अंबिका प्रसाद पांडा, ठीक है। माइनिंग सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, रानीगंज कोल फील्ड में, रानीगंज में, ठीक है ना। कब स्टार्ट हुआ था, 1774 ईस्वी में। डायरेक्टर टेक्निकल वगैरह नहीं पूछता है यार ये लोग, डायरेक्टर टेक्निकल पूछता है क्या तुम लोग के अनुसार। डायरेक्टर टेक्निकल अगर पूछने का बहुत कम चांस रहता है, सीएमडी ज्यादा ज्यादा आता है, ठीक है ना। सीएमडी से नीचे क्या जाएगा यार, इसीलिए प्रेम सागर मिश्रा जो लिखा हुआ था ना, इसलिए लिखा हुआ था, ठीक है ना। जय प्रकाश गुप्ता क्या हो गए, डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर टेक्निकल बहुत होता है, डीटी पीएनपी हो गए जय प्रकाश गुप्ता, बी वीरा रेड्डी डीटी ऑपरेशन, अभी बी वीरा रेड्डी डीटी ऑपरेशन नहीं है, वो सीआईएल कुछ बन गए, इसलिए ये डाटा मत रखो रखो, ठीक है ना। अभी सिर्फ तुम डाटा के याद रखो कि सीएमडी कौन है, एपी पांडा है, और डीटी पीएनपी वगैरह भी अगर तुमको डाटा रटना है तो फिर तुमको हम होम पेज में ले जा रहे हैं, यहाँ पे देख लो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, ठीक है। देखो श्री एपी पांडा ये है, जेपी गुप्ता जो है अभी भी जीटी पीएनपी है, ठीक है ना, ये एपी पांडा है, ठीक है। सीएमडी ये चेयरमैन कब बने हैं, 1 फरवरी 2022 को बने हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये कब बने हैं, 1 फरवरी 2022 को ये सीएमडी का चार्ज लिए हैं, श्री अंबिका प्रसाद पांडा। इनके पास काम करने का एक्सपीरियंस 3 डिकेट्स का, 3 साल, 30 साल का है, ठीक है ना। ये इससे पहले कहाँ थे, सीएम चेयर कम चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर फाइनेंस थे, एसीसीएल के थे, ठीक है ना। ये सीएमडी और डायरेक्टर फाइनेंस कहाँ के थे, एसीसीएल के थे। सीएमडी कब थे, 28 दिसंबर 2018 को थे, और डायरेक्टर फाइनेंस कब थे, 1 अगस्त 2013 को थे, ठीक है। तो क्या किया गया, यहाँ के उनको वहां कर दिया गया, वहां का यहाँ कर दिया, हाँ कुछ वैसा ही था जो चंद्र भान बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गए हैं, फोटो से भी याद हो जाएगा, ये हो गया जेपी गुप्ता, डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग एंड डीटीओ बने, अभी इन्हीं को चार्ज दे दिया गया है डीटीओ का, ठीक है ना। वो जो वहां पे वीरा रेड्डी करके थे ना, वो सीआईएल के कुछ बन गए हैं, इसलिए श्री जेपी गुप्ता को ही डीटी पीएनपी और डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन का दे दिया गया है, ठीक है। डीटी गुप्ता का कहा है, बीटेक किए हैं, बीएचयू से किए हुए हैं, इनका ज्वाइनिंग एसीसीएल में है, 23 साल एसीसीएल में काम किए हैं, फिर चीफ मैनेजर के रूप में 2006 में बीसीसीएल में आए हैं, बीसीसीएल में 2 साल वो प्रोजेक्ट, 12 साल प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे, फिर जनरल मैनेजर बने, चिरमिरी वगैरह भी काम किए हैं, ठीक है ना। ये हो गए हैं श्री जेपी गुप्ता। अब कोई है, ये सब गवर्नमेंट डायरेक्टर होता है, पार्ट टाइम होता है, कैसे बनते हैं मत पूछो भैया, डायरेक्टर मार्केटिंग ये सब नहीं पूछेगा, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ये जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर या होता है ना, डायरेक्टर पार्ट टाइम, उस समय जैसे प्रोफेसर लोग जो जो होते हैं ना कुछ कुछ, उन लोगों को भी रख लिया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सारा चीज, ये डाटा मत रटना यहाँ से, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ से कौन सा डाटा रटना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे आते हैं, देखो क्या क्या ये लॉन्च किया था, ठीक है ना। 2020-21 में एक सुदेश करके लॉन्च किया था, सुदेश फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए सी यू से हो गया सस्टेनेबल, डी से हो गया डेवलपमेंट, ठीक है ना, ई से हो गया एनवायरमेंट सेफ्टी हेल्थ एंड हाइजीन। ये मिशन सुदेश लॉन्च किया गया था,
इसलिए क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल एंड बेटर फ्यूचर फॉर ईसीएल, ठीक है। ये पीडीएफ देख लो, ये नाम देख लो, स्वदेश हो गया, इसका फुल फॉर्म अगर पाओगे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब अगर इस साल एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो हो सकता है क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, बस एक बार रीडिंग डालना है, कुछ नहीं करना है। एसीयू से सस्टेनेबल हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया, ई से एनवायरमेंट हो गया, एस से सेफ्टी हो गया, एच एस से हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, ठीक है ना। दूसरा मिशन क्या था, संजीवनी, संजीवनी का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमेटिक एडवांसमेंट, ए से हो गया सिस्टमेटिक एडवांसमेंट, एनजे से हो गया न्यू जॉब्स, आईबी से हो गया इंटीग्रेटेड बिजनेस, ठीक है ना, ए से हो गया एंड, और एनआई से हो गया न्यू इनिशिएटिव्स। ये मिशन संजीवनी है, ठीक है। मिशन संजीवनी का फुल फॉर्म पूछ सकता है क्या था, तो मिशन संजीवनी का फुल फॉर्म क्या था, सिस्टमेटिक एडवांसमेंट, न्यू जॉब्स, इंटीग्रेटेड बिजनेस एंड न्यू इनिशिएटिव्स। मिशन सुमित, मिशन सुमित क्या था, संजीवनी क्या हैज बीन लॉन्च्ड फॉर रिजुवेनेशन ऑफ ईसीएल विथ एम्स फॉर, मतलब नया नया जॉब आदमी लोगों को मिले, साथ साथ में कुछ कुछ कंपनी लोगों के साथ एमओयू, क्या कहते हैं, एमओयू साइन हो, ये सब होता है, ठीक है। क्या कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ नहीं पूछेगा, ये 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर जो था ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है ना, उसके अंदर है, ठीक है ना। कब शुरू हुआ नहीं, ये 2020-2021 में, ऐप का स्टोर कब ओपन, कल का वीडियो में क्या था, एसएमपी तो है वो और कुछ नहीं है। मिशन सुमित क्या है, ठीक है ना, सुमित का फुल फॉर्म हो गया सिस्टमेटिक अपग्रेडेशन ऑफ माइनिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सुमित सिस्टमेटिक अपग्रेडेशन ऑफ माइनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हम लोग क्या करना है, माइनिंग में भी आईटी को इन्वॉल्व करना है। अब जितना भी काम हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है, सब सेफ के थ्रू हो रहा है, हम लोग माइंस वगैरह में, तो कि आईटी में हम लोग इन्वॉल्व करना, ठीक है। मिशन धरोहर क्या है, ये सिर्फ फुल फॉर्म है सबका, मिशन धरोहर क्या है, धरोहर मतलब होता है कुछ विरासत, कुछ वैसा बचा के रखना, हेरिटेज वगैरह, तो ये धरोहर के अंदर आता है। एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द लीगेसी ऑफ कोल माइनिंग इन द कंट्री, जो कोल माइनिंग का लीगेसी चल रहा है कि वो लगातार बरकरार रहे, उसके लिए है। क्या है, क्या सर, एक बार वापस, सुनो ना, अभी नोट नहीं, नोट करना है कर लो, बाद में नोट नहीं करता, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी लोग कल शेड्यूल और फॉर्म्स डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, शेड्यूल और फॉर्म्स, माइंस रूम में जितना शेड्यूल है, जितना फॉर्म्स है, एम एन ओ पी ए बी सी डी सब एक साथ दे दिया गया है, ठीक है ना, एक जगह पे, तो डाउनलोड कर लेना, ये भी आज अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, ये भी डाउनलोड करके देख लेना। कल ग्रुप में लिंक शेयर किए थे रात में, हाँ हाँ ब्लॉग में सारा फॉर्म जो है, माइंस रूम में जितना फॉर्म था कल सब रात में, तो लिंक भी शेयर किए थे 12:30-12 बजे, ठीक है। धरोहर वगैरह लगा नहीं आएगा, अचीविंग ऑफ आर्काइक बिल्डिंग प्लांट्स इक्विपमेंट्स मशीन्स, इसमें कुछ फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, मिशन धरोहर है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। मिशन धरोहर में क्या है, मतलब लीगेसी जो है कोल माइनिंग का बरकरार रखना है, हाँ ये भी ब्लॉग में डाल देंगे, ठीक है। मिशन जटायु क्या है, इनकरेज द स्पिरिट ऑफ फाइट, फाइट में क्या है, फेयरनेस इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वलिटी। लिंक शेयर करते थे कल का रात का, देखना नहीं, 4-5 मैसेज कुछ पहले देखना, लिंक मिल जाएगा वहां पे, ठीक है ना। जो उसको फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर लेना। मिशन जटायु क्या हो गया, इनक्रेज स्पिरिट ऑफ फाइट, होता है ना कि मतलब कंपटीशन वाला माहौल क्रिएट करे, ठीक है ना, वैसा वाला में एफ आई, उसको जीएचटी नहीं लिखा है पूरा, सिर्फ एफ आई टी कर दिया, ठीक है ना। तो एफ आई टी का फुल फॉर्म क्या हो गया, फेयरनेस इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी और इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या हो गया, समानता, ट्रांसपेरेंसी मतलब पूरे तरीके से पारदर्शी, जो होता है पारदर्शिता रूप में, पारदर्शी मतलब कुछ, मतलब कोई भी काम हो पूरा ट्रांसपेरेंट वे में हो। इंटीग्रिटी एकता, फेयरनेस, फेयरनेस मतलब क्या यार, फेयरनेस को फेयर तरीके से हो, ठीक है ना, कोई गड़बड़ झोलझाल ना हो वैसा चीज। मिशन संबंध, संबंध से पता चल रहा है किसी के बीच रिलेशन है ना, रीच आउट ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड द कम्युनिटी इट लार्ज एज प्रॉब्लम सॉल्वर एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है ना, मतलब जगह जगह से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, जो कोयला खरीदने वाला है वो सबसे लिंक करना है। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में जिस तरीके से अलग अलग डिफरेंट रंग होते हैं, 7 कलर का होता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कल्चर्स, फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, ये सारा चीज, ठीक है, ये नहीं आएगा, जिसका जिसका फुल फॉर्म बन रहा है ना, तो वो ध्यान में रखना है। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिशन सुदेश, अनदर मिशन कॉल्ड सुदेश मितवा हैज बीन लॉन्च थ्रू विच मेडिकल फैसिलिटीज आर टू बी एक्सटेंडेड, ये याद रखना, अगर आएगा तो इधर से आ सकता है, अगर टच किया कर रहा है, अगर वो क्या बोलते हैं, टच तो नहीं करना चाहिए एनुअल रिपोर्ट, अगर टच करता है तो।
सॉल्यूशन प्रोवाइडर विच विल अल्टीमेटली फैसिलिटेट फॉर अ स्मूथ अपकमिंग ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड ईज आउट द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. मतलब है ना, कोयला निकाल के छोड़ नहीं देना है, ग्रीन ग्रीन करना है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वैसा कुछ होगा, ठीक है ना. जमीन को बंजर बना के नहीं छोड़ देना है, वैसा कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना. जमीन में पेड़ पौधा नहीं है तो मिट्टी किस कलर का दिखता है? ब्राउन कलर का ही दिखता है ना. तो ये बोलता है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को किससे रिप्लेस करना है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से, ठीक है ना. और सुदेश मितवा में क्या है? सुदेश मितवा में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था. क्यों? क्योंकि कोरोना का टाइम था ना, वो 2020-21 कोरोना का टाइम था. तो सुदेश मितवा एक मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंदर क्या था? वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया. मितवा इसमें क्या है? मेंटेनेंस इंस्पायर्ड टेक्निक्स एंड वर्क एजेंसी. ये सिर्फ एक बार पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना. एक बार पढ़ लेना, अगर एग्जाम में आता है फुल फॉर्म वगैरह कुछ, तो आंसर देख के वहां याद आ जाए कि ये तो पढ़ा हुआ था, ठीक है ना. बस इसी पर्पज से हम बता रहे हैं. तो मिशन जागरण, जागरण का फुल फॉर्म क्या है? इसमें मिशन जागरण का फुल फॉर्म मतलब क्या उद्देश्य है? सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करना है, ठीक है ना. बाय रिड्यूसिंग यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग को अवॉइड करना है. जो प्लास्टिक रिसाइकल हो सके उसका यूज करना है. तो मिशन जागरण में क्या है? जस्ट अचीविंग ग्रीन ग्रोथ रिजिम ए एक्सेलरेटेड नेचर, ठीक है ना. और स्वच्छता ही सेवा अभियान कब स्टार्ट हुआ है? 11 सितंबर 2019 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला था. 2019 को और पुराना हो गया, ठीक है ना. एक नया कॉन्सेप्ट आया है 10R, मतलब आर जो है 10 बार अलग अलग उसका मीनिंग निकाला. क्या क्या है? रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिपर्पस, रिफिल, रिन्वेंट, रिपेयर, रिड्यूस, रिडिजाइन एंड रिफर्बिश. ये 10R के अंदर आता है. मतलब क्या करना है? किसी भी चीज को दोबारा रीयूज करें, रिफ्यूज करें, घूस वगैरह लेने से मना करें, कोई चीज है तो रिसाइकल करें, उसका पर्पस क्या है? रिपर्पस, रिफिल करें. रिन्वेंट मतलब क्या होता है? कुछ नया कुछ होना चाहिए, रिन्वेंट. रिपेयर करें, रिड्यूस करें, मशीनरी का ब्रेकडाउन रिड्यूस करें, किसी चीज का रीडिजाइन करें और रिफर्बिश करें, ठीक है ना. एक मिशन देसी है, रीइन्वेंट, हाँ रीइन्वेंट है, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, रीइन्वेंट, ठीक है ना. मिशन देसी, मिशन देसी में क्या आ गया? डिमांड डिटेक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ कोल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम और हार्नेस क्वालिटी एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. हार्नेसिंग क्वालिटी देसी, मिशन देसी अच्छे से याद रखना. मिशन देसी क्या है? डिमांड डिटेक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ कोल, कोयला को हम लोग एक्सपोर्ट करें, ठीक है ना, विदेश भेजें. सिस्टम जो भी अपने पास सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करें, क्वालिटी को इम्प्रूव करें और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से जो हम लोग मंगवा रहे हैं कोयला उसका सब्स्टिट्यूशन करें, हम लोग खुद से ही कोयला प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना. ये मिशन देसी हो गया. बस इतना ही मिशन है, इतना मिशन एक बार तुम लोग जरूर अपने मन से पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना, शांत दिमाग से पढ़ना. कुछ नहीं, मिशन में कोई दिक्कत नहीं. तुम्हारे पास जो ऑप्शन दिखेगा ना, अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ, है, देख के आंसर इजीली तुम लोग टिक मार लो. अगर आंसर आता है तो, अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना. लास्ट वाला ठीक है, नोट हो गया मैं. एक मिनट यार, मैनेजर से. हेलो, हाँ कल नहीं भैया सर, कल वो उधर थोड़ा बिजी हो गए थे, वो सिक्योरिटी वाला आया हुआ था ना. देते हैं ना सर, एक घंटा के अंदर हम देते हैं आपको बनाकर लिस्ट, ठीक. हाँ ठीक ठीक है, स्किप हो गया अब है क्या? अपने अरे विनोद सर से बात कर लो ना, वही बता सकते, पता नहीं स्टोर में क्या प्रॉब्लम है. अब देखो कि टोटल एसडीएल कितना है, ठीक है ना. 31 मार्च 2021 तक जो टोटल एसडीएल था 237 था, एलएचडी कितना था? 39 नंबर्स ऑफ एलएचडी. और यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन कितना था? यूडीएम 137. ये सब छोटा मोटा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए नोट कर लो जरा कि 31 मार्च 2021 तक. अरे साउंड भी बहुत बैकग्राउंड नॉइज जा रहा है क्या तुम लोग के पास? एसडीएल कितना है? घर में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, इसलिए एसडीएल, एलएचडी, यूडीएम 137. बाकी मशीन तो हमको ध्यान नहीं पड़ा या दिया हुआ नहीं था, ये नजर आ गया इसलिए हम ले लिए, ठीक है ना. अभी होता है ना, अगर कहीं पूछता है कि मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है ना, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी,
थीसिस में कंटिन्यूअस माइनर और सटल कार कि हम लोग प्रोडक्शन को कैसे बहुत लार्ज स्केल में इंक्रीज करें, ठीक है ना। तो मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बाय डिप्लॉइंग कंटिन्यूअस माइनर कंबाइंड विद सटल कार, सात सटल कार हैड बीन डिप्लॉयड एट झांझरा, सरपी, कुमार डी, बी यू जी, खोटा डी, यहाँ पे, ठीक है। मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी याद रखना, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मतलब क्या, कंटिन्यूअस माइनर मतलब सोनपुर बाजारी में यार एक ड्रिल लाइन नहीं था, वहां पर हम लोग गए हुए थे जब आईएसएम में थे ना, तो उस जगह पर हम लोग को विजिट करवाने के लिए गया हुआ था, तो शायद उस टाइम दो वहां पर ड्रिल लाइन था सोनपुर बाजारी में, ठीक है। ये याद, ठीक है, मशीनरी के एक बार हम चेक कर लेते, ठीक है ना, हम एक बार मशीनरी का चेक कर लेते और कितना है ये, कुछ प्रोडक्शन डाटा लिख लो, है ना। ईसीएल हैज प्रोड्यूस 45.004 मिलियन टन ऑफ कोल, ठीक है ना। कितना प्रोड्यूस किया था फाइनेंशियल 2021 में, अगर इसको कंपेयर करते हैं हम 19-20 से, तो 19-20 से ये बहुत कम था, कुछ परसेंट में नेगेटिविटी आ गया, ग्रोथ में डिक्रीज, क्या कहते हैं, डिक्रीज हो गया था ग्रोथ, इसका नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। ईसीएल कितना टोटल कोल प्रोड्यूस किया था, 45.004 मिलियन टन ऑफ कोल। टारगेट क्या मिला था सर, टारगेट एनुअल रिपोर्ट में नहीं था यार, ठीक है, टारगेट ने पूछा कितना हम अचीव किए हैं वो पूछेगा, ठीक है ना, अगर पूछने रहेगा तो। और न्यू टारगेट भी कितना है वो ना, अच्छा ठीक है। ईसीएल हैज प्रोड्यूस 45.004 मिलियन टन, ठीक है ना, ये मिलियन टन है, एक मिलियन कितना होता है, एक मिलियन जो होता है 10^6 मतलब 10 लाख होता है, ठीक है ना, जिसमें से ये जो 9.309 मिलियन टन कोयला जो था ना वो आया था अंडरग्राउंड से, और 35.695 मिलियन टन कोयला कहां से आया था, ओपन कास्ट से, और वो भी कितना रिमूव किया था, क्या पूछ रहे हो यार, 3,333 टन मतलब, हाँ मेन पावर इतना था, 2021 में मेन पावर 54,866 था, तो अभी मेन पावर और कुछ कम हो गया होगा करंट ईयर में, क्योंकि बहुत आदमी लोग रिटायर कर रहा है और उस बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। रिमूवल ओबी रिमूवल कितना क्या था, 139.585 मिलियन क्यूबिक मीटर, नहीं यार एक मिलियन टन कौन बोल दिया, तीन कुछ ही बोल देते हो, एक टन होता है 1,000 kg, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक होता है ना इकाई ढाई से 1,000 जो पढ़ते हो तुम लोग यार, तो वन मिलियन होता है 10 लाख होता है, 10 लाख में कितना जीरो होता है, छह, ठीक तो 10^6 है ना, और अगर बिलियन कहीं लिखा हुआ रहता है तो 10^9 हो जाता है, ठीक है ना। बिलियन, मिलियन कितना हो गया, 10 लाख, 10^6 हो गया। ये टारगेट थोड़ा याद रखना इजी है ये, ठीक है ना, 45.935 ये रफ, इधर वाला वैल्यू जरूर याद रखना, कहीं पॉइंट में तो नजदीक वाला वैल्यू दे देगा नहीं, एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए नहीं देना चाहिए, और लाइव सेशन में देखिएगा तो 1 मिलियन kg, क्या पूछ रहे हो, 1 बिलियन kg, ठीक है ना, हम चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, वो नहीं तो गूगल में हम सर्च करके तुम लोग बता देते हैं एक बार, यहाँ जो पढ़ा है ये थोड़ा देखो लास्ट ही होगा लग रहा है, बाकी इधर नहीं है, ठीक है ना। ये आउट ओएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट, मतलब एक आदमी एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन किया, ये होता है ओएमएस, ठीक है ना, कितना प्रोडक्शन किया, तो ओएमएस ये होता है कि एक आदमी एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन किया, ये होता है आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट, हाँ 1 मिलियन टन बराबर 1 मिलियन kg, वो सब तुम सबको कंफ्यूज कर दो इसलिए उसके बारे में बताएंगे नहीं, ठीक है। तो आउटपुट पर ओएमएस कितना था अंडरग्राउंड माइंस का, 0.852 मिलियन टन, ठीक है ना, मतलब पूरा 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एक आदमी पूरा अपना एक साल में, ठीक है ना, कितना प्रोडक्शन किया, तो वो था 0.852 मिलियन टन, ठीक है। एक आदमी जैसे यहाँ की पढ़े कि एक मैन एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन किया होता है ओएमएस, लेकिन यहाँ पूरा हम लोग एक साल का काउंट कर रहे हैं ना, हाँ ठीक, अंडरग्राउंड का है 0.852 मिलियन टन, वन से कम है, ठीक है ना। और ओपन कास्ट में कितना है, ओपन कास्ट में ये ज्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे 0.852, और ओवरऑल जोड़ेंगे तो डाटा गलत हो गया लग रहा है, एक मिनट,
OMS अंडरग्राउंड का कितना 0.852 है, ओपन कास्ट का 15.374 है। अच्छा, और ओवरऑल जो कैलकुलेट किया हुआ है ना, ओवरऑल ज्वाइन करके कुछ अलग तरीके से यूज किया है, तो ये टोटल सम नहीं है, ये 3.397 है। ये तीनों डाटा याद रख लेना, ठीक है? सही लिखा हुआ है, कुछ गलत लिख दिया क्या? ठीक है, आउटपुट अंडरग्राउंड से कितना था, एक से कम था 0.852, ओपन कास्ट का 15.374 है, क्योंकि ओपन कास्ट में हाईली मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। और ओवरऑल कितना है, 3.397। SCG का फुल फॉर्म याद रखना, सरफेस कोल गैसिफिकेशन, UCG का अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, और CBM का कोल बेड मीथेन, ठीक है ना? सरफेस कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन और कोल बेड मीथेन, ये ध्यान रखना फुल फॉर्म में। अब बाकी कल भी तुम लोग बताए थे ना, कल तुम लोग बताए थे ना, ये टार्प, ट्रेप, ट्रिगर्ड एक्शन, रिस्पॉन्स प्लान, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। जिसको नहीं पता है वो लिख लो, ठीक है ना? स्कैम का फुल फॉर्म याद रखना तुम लोग, 123 नंबर रेगुलेशन में है, 104 में SMP का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है? अब थोड़ा चेक कर लेते हैं तुम लोग का जो जो है, कितना प्रोडक्शन टारगेट है, कितना क्या है। ये 19-20 का डाटा है ना, ईसीएल को वेबसाइट पे भी लोग देता नहीं ना, सीसी वगैरह दे देता है, लेकिन ईसीएल एक देता ही नहीं है। देखते हैं कहीं अगर इसका वेबसाइट पे सिंपल मिल जाएगा तो ठीक है। आवर मिशन है, श्री प्रहलाद जोशी याद रखना, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स, फोटो खींचकर भेजे थे, और क्या राव साहेब पाटिल दानवे, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन माइंस कोल एंड रेलवे, ठीक है ना? कंपनी कंपनी में नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस फाइनेंशियल भी नहीं मिलेगा, आवर बिजनेस टेंडर नोटिस। अच्छा छोड़ो, वो हम किसी सीधे वाले से पूछ लेंगे कितना इस बार का टारगेट था, तो तुम लोग बता देंगे, ठीक है ना? कि करंट ईयर का टारगेट जो फाइनेंशियल 2022 से कंप्लीट हुआ है, 21-22, इसमें टारगेट कितना था वो बता देंगे। ये जो कहीं भी जो मिशन दिया हुआ है ना, मिशन और विजन, वो दोनों सेम है, मतलब कोल इंडिया का भी सेम है, सारे सब्सिडरी का सेम है, ठीक है? मिशन और विजन, ईसीएल कोई रतन नहीं है यार, ईसीएल को है ना, देखो ईसीएल में अगर रतन मिला हुआ रहता तो वहीं पर रहता, ठीक है ना? हम दिखाते हैं सीसीएल का वेबसाइट, ठीक है? सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, देखो सीसीएल में यहाँ लिखा हुआ है ना, ए मिनी रत्ना कंपनी, वो वैसा नहीं है वो, ठीक है ना? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को कोई रत्न नहीं मिला है। एरिया टोटल माइंस, अंडरग्राउंड माइंस, ओपन कास्ट माइंस, मिक्स्ड माइंस, ये क्वेश्चन छूट गया है ना। टोटल एरिया तुम लोग किसी को पास पता भी होगा, हो सकता है। टोटल एरिया कितना है यार, किसी को पता है टोटल एरिया इन ईसीएल? 14 है, ठीक है ना? लिख लो, जिसको जिसके को पता नहीं है, टोटल एरिया 14 हो गया। कुछ कुछ एरिया हम लिख रहे थे, टोटल एरिया 14 हो गया। टोटल माइंस कितना है अभी ईसीएल में? ये एरिया हो गया, माइंस कितना है ईसीएल में? ईसीएल में टोटल माइंस 80 है,
इसमें सोपेन कास्ट कितना है, अंडरग्राउंड कितना है? कोई 80 भी बोल रहा है, कोई 78 भी बोल रहा है। चालू माइनस 78 है, ठीक है। यूनिट वगैरह मत जाओ यार, करेक्ट है 48, 48 अंडरग्राउंड माइंस है, ठीक है ना। समझ करो, पता चल जाएगा सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। 22 ओपन कास्ट है और 8 मिक्स्ड माइंस है, कितना हो रहा है ये? 48 और 22, 40, 20, 60, 70, 78 माइंस हो रहा है। 48, 22, 8 है, ठीक है ना। तो 78 माइंस है, ठीक है ना। 48, 48 अंडरग्राउंड, बहुत अंडरग्राउंड माइंस है यार इसी। अब 22 ओपन कास्ट है, 8 मिक्स्ड माइंस है, ठीक है, नोट कर लो ये। एरिया देखो कौन कौन से एरिया, 14 एरिया टोटल बता रहे हो यहाँ, कितना केंदा है, कुल स्टोरिया हो गया, सलानपुर, मुगमा, एसपी माइंस, पांडेश्वर, कजोरा, सोनपुर, बजारी, राजमहल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और कोई कोई छुटा हुआ है। एक सर्पी छुटा हुआ है ना, सर्पी छुटा हुआ है, सतग्राम है, कुमारडी है और झांझरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक सोदपुर, ठीक है ना। टोटल 14 एरिया है, ठीक है। हाँ टोटल माइंस याद रखो, ये हो सकता है कि टोटल मिक्स माइंस कितना ओपन कास्ट है, इसे देखा जीटी वगैरह में परेशान करने के लिए पूछता था ना, कोल इंडिया के पास टोटल ओपन कास्ट माइंस कितना है। हाँ झांझरा लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइंस है, वहीं पर कंटिन्यूस माइनर शटल कार वगैरह है ना, वहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा, 78/80 दो माइंस बंद है, ऐसा है क्या? ठीक, एक सिर्फ प्रोडक्शन टारगेट छूट गया है कि कितना था प्रोडक्शन टारगेट 2020-21 में, कितना किए हैं, ठीक है ना। कितना हम लोग जो 45.00 हुआ है वो देख लेते हैं कि 2021-22 में कितना टारगेट था जो अभी कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है ना, ये बता देंगे। कोल रिजर्व, ये सब डाटा कहीं लोग देता नहीं है यार, देख लेते हैं यहीं पे सर्च करके, देखें कहीं अगर मिलता है। ऑफटेक कहीं भी लिखा हुआ है ना, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्पैच कितना हुआ है, ठीक है ना। एनुअल रिपोर्ट, क्या पूछो, डिगिंग डीपर माइनिंग हायर, एमिंग हायर, ये स्लोगन एसीएल का, ठीक है। अगर कोई स्लोगन है तो याद कर लेना, ठीक है ना। स्लोगन इस बार डीजीएमएस सर्कुलर से हम लोग का फर्स्ट क्लास में आया हुआ था, 2014 का स्लोगन था। क्या पूछ रहे थे यार, एनुअल रिपोर्ट में रिजर्व कितना है ना, देख लेते हैं। कोल रिजर्व पता करना होगा ना कितना है, इंपोर्ट फाइनेंशियल ईयर, देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, एज ऑन अप्रैल 2019, द जियोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ इंडियन कोल वाज 326.495, ठीक है ना। ये जियोलॉजिकल रिजर्व हो गया इंडियन का, नहीं ईसीएल मिनी रत्न नहीं है। ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ए सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, कब बना था ये, 1 नवंबर 1975 को बना था ये, लिख लो। उस टाइम टोटल कितना, 414 माइंस था ईसीएल के पास। देयर आर 14 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एरियाज, ठीक है, 80 नंबर ऑफ वर्किंग माइंस है, जिसमें 48 अंडरग्राउंड है, 22 ओपन कास्ट है, 8 मिक्स्ड माइंस है, ठीक है ना। टोटल माइंस 80 है, 48 अंडरग्राउंड, 22 ओपन कास्ट और 8 मिक्स्ड माइंस है, 78 हो रहा है, ठीक है ना। दो का पता नहीं क्या क्या किया है ये लोग। ईसीएल के पास जो रिजर्व है 1/4/2019 के अनुसार 31.67 बिलियन टन, ये पूरा लिख लो, ठीक है ना, इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड 19.93 बिलियन टन इन द स्टेट ऑफ झारखंड, जिसके कारण इसके पास टोटल कितना हो गया, 51.60। ठीक है ना, ये माइंस का याद रखना कि टोटल 80 नंबर ऑफ वर्किंग माइंस है, इसमें 78 का यहाँ हिसाब किताब दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हाईलाइट कर दे रहे हैं। इसके पास जो टोटल रिजर्व है 31.67, ये हो रहा है कहाँ पे आ रहा है, वेस्ट बंगाल, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंपनी
इंडिया में रिजर्व ऑफ इतना कॉलोनी, इतना इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और इतना झारखंड में है, टोटल मिलाकर 51.60 बिलियन टन रिजर्व, ठीक है ना। ये दोनों जो हाईलाइट किए हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है लिख लो, ठीक है, इतना काफी है। इतना से अगर क्वेश्चन आने रहेगा तो बनाओगे, नहीं आने रहेगा छोड़ देना, वो 1 मार्क्स के लिए ना, अगर तुम्हारा हाँ रिजर्व चेंज नहीं होगा इतना जल्दी जल्दी, उन लोग सर्वे नहीं करता है, ठीक है ना, बाद में फिर 10 से 5 साल के बाद फिर चेक करेगा, ठीक है ना। वो हो गया उतना जियोलॉजिकल रिजर्व, ठीक है ना। जितना जियोलॉजिकल रिजर्व है वो सारा नहीं निकाल पाते हैं, तो उसमें से प्रूव रिजर्व कितना है वो देखो, टोटल यहाँ पे जियोलॉजिकल रिजर्व ऑफ इतना, आउट ऑफ विच 14.22 बिलियन टन इज प्रूवन, मतलब बोल दिया है सर्वे करके कि आपके पास इतना रिजर्व है, टोटल 31.67, लेकिन उसमें एग्जैक्ट जिसके बारे में जानकारी है ना, एग्जैक्ट जानकारी कितना चौड़ा सीम है, कितना मोटा क्या है, सारा चीज वो दिया हुआ है, कितना वो है 14.22 बिलियन टन, 14.22 बिलियन टन, ठीक है ना। पर ईसीएल के पास जो कोयला है उसका एस कंटेंट जो है ना वो लेस देन है 20% एट रानीगंज गोल्ड फील्ड में। कुछ पता नहीं रहेगा यार, उतना तुमको लगता है पता रहेगा, लोकल लड़कों को हम सीसीएल में काम कर रहे हैं, हमसे पूछो हम नहीं बता पाएंगे टोटल कितना है सीसीएल माइंस, और नेट में ही सर्च करना होगा, नेट में ही डाटा अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। जिसका रिटेन रिकॉर्ड रहेगा उसी को सब पता करेगा ना। और जो झारखंड में जो रिजर्व है उसमें प्रूव कितना है, प्रूव मतलब क्या, जैसे रिजर्व होता है 3 तरह का, इंडिकेटेड होता है, इन्फर्ड होता है, प्रूव होता है, इतना नोट कर लो, ठीक है ना। नहीं पूछे गए झारखंड में कितना माइंस है, झारखंड में खाली ईसीएल वाला है, इधर इधर कुछ होगा मुकमा वगैरह के एरिया के आसपास में होगा कुछ माइंस, इतना नोट हो गया सबका। टोटल एरिया कितना था, 14 है नंबर, ऑपरेटिंग एरिया, ठीक है, ऑपरेटिंग एरिया 14। नहीं अभी थोड़ा बाकी है, ममता दीदी के बारे में पूछे गए, ठीक है। और किसी का क्या डाउट था यार, किसी कुछ डाउट था एनुअल रिपोर्ट के बारे में, हाँ जियोलॉजिकल रिजर्व भी लिख दो, अगर पूछे अगर जियोलॉजिकल रिजर्व कितना है, जियोलॉजिकल मतलब कैसे होता है ना, प्रूवन रिजर्व, उसको कहीं सैंपल मिला बता दिया कि अच्छा इतना रिजर्व है, लेकिन देखो जियोलॉजिकल कितना है 31.67, लेकिन किसके बारे में हमको एकदम एग्जैक्ट एकदम प्रूव हो गया है कि हाँ वो उतना कोयला है वहां पे, ये 14.22 देख रहे हो, 50% से भी हाफ हो गया है ना। अच्छा तो झारखंड में 19.89 मिलियन टन बोल रहा है, लेकिन प्रूव कितना हुआ है 7.0 होने का, तो दोनों लिखना है। ठीक कितना हो गया ना, अब थोड़ा और देख लेते हैं, ये सब नहीं पूछेगा यार। ईसीएल के पास जो कोयला का जो ग्रेड होता है ना, G3 से G13 का मिलता है, ठीक है ना, ये सब है, एक बार सिर्फ नजर दौड़ा कर देखना ना, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, एक बार लास्ट टाइम जाते टाइम है ना एक बार देख लेना है बस, ज्यादा इस पर हम जबरदस्ती याद करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है आप बता क्या पूछ रहे थे तुम लोग, रिजर्व हो गया है, प्रोडक्शन टारगेट, एमयू टारगेट पर वर्सेस अचीवमेंट, ठीक है ना, एमओयू टारगेट कितना था और अचीवमेंट कितना किया है, एक्शन प्लान है चार्टी, कोई ऑप्टेक पूछ रहा था ना कितना डिस्पैच हुआ है, तो 42.04 मिलियन टन, ठीक है, कितना डिस्पैच हुआ है, ओएमएस पर टन पर शिप टारगेट कितना था, ये दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल जो टारगेट था ना 2021 में वो टारगेट 52 मिलियन टन था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, टोटल टारगेट ये जो है अंडरग्राउंड से 9.3 का टारगेट था, सिर्फ यहाँ पे बता रहे, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन इसका ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन ये वाला टारगेट,
52 मिलियन टन का टारगेट था, 45 हम लोग अटेंड कर पाए थे अपना, ठीक है। हाँ ठीक है, एलसीका को बुक का लिंक सेंड कर देंगे। टारगेट हो गया तुम्हारा, और भी रिमूवल का भी इसी तरीके से टारगेट था जो हम लोग अचीव कर पाए, इतना एक्चुअल में इतना किया हम लोग। और किसी को डाउट था जल्दी से बोल दो, अभी हो सकता है मिल जाएगा इसी में, ठीक है ना। करंट ईयर का देख रहे हैं, करंट ईयर का इसमें नहीं मिलेगा। और किसी कुछ था क्वेश्चन, नहीं तो इतना ही काफी रहेगा, ठीक है ना। डिस्पैच का टारगेट तो बताया ना यार, वो भी रिमूवल इतना हो गया, ठीक है ना। 60 सिस्टम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अभी ऑफटेक बताया था ना, 42 पॉइंट समथिंग था जो ऑफटेक, ठीक है इतना काफी हो गया, ठीक है। हम तो ये भी नहीं पढ़ाने वाले थे। हेलो, कहाँ जनरल सेक्टर में, हमको तो नहीं बोले थे, गलत। ठीक है एक बार बात कर ली, ठीक है ठीक है ठीक है, बात करके बताइए ना। अभी माइंस में है ना, एनुअल सेफ्टी वीक का जोर शोर से चल रहा है, ठीक है यार। आज इतना ही रखो, पता नहीं हो सकता है अभी माइंस जाना पड़ जाए तुम लोग। जंजाल भाई क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तुम लोग का मोबाइल भी हम चार्ज करना भूल जाते हैं, पता नहीं रात में चार्ज लगाना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं सर, मतलब ये सोचो कि एक जो क्लास था इसमें कंप्लीट हो गया पूरा, ब्लॉग में अपलोड कर दिया जाएगा। और क्या बोलते हो यार, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट वहाँ कंप्लीट हो गया, अभी क्लास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ ब्लास्टिंग का, ठीक है ना। डीजीएमएस सर्कुलर इंपॉर्टेंट, नो सर्कुलर इंपॉर्टेंट्स वाले, वो तुम लोग ही क्वेश्चन जानते हो, जिसको जिसको जो डाउट आता है ना, कुछ क्वेश्चन तो ग्रुप में सॉल्व हो जाता है, कुछ क्वेश्चन नोट करके रखो और दे देना, तो फिर हो जाएगा, ठीक है ना। लिंक यहीं पे शेयर कर दे, ब्लॉग्स का लिंक शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कल का फॉर्म वगैरह का हम कॉपी लिंक लाइव क्लास का यहाँ देखो नीचे हम शेयर कर दिए एक लिंक, ठीक है। दूसरा और एक एलसी काकू का बुक का भी लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का भी है, रिक्लेमेशन वगैरह नोट्स का भी था, एक एलसी काकू बुक का भी, यहाँ से नहीं होता कॉपी, ठीक है। व्हाट्सएप कर देंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। फिर से डिक्लेयरिंग स्टार्ट करने से पहले किससे परमिशन लेना पड़ता है, सीएमआर खोल दो, और इसमें ये दिया हूँ 112 या 113 नंबर में यार। क्या हो गया, अभी तो खुल भी नहीं रहा, तो ठीक है डिप्लोरिंग का हम देख के बता देंगे, ठीक है। डिप्लोरिंग के लिए परमिशन किसे लेना पड़ता है वो हम देख कर बता देंगे। गैस रिलेटेड पीडीएफ एलसी काकू में डीजीएमएस दिया हुआ है, डीजीएमएस दिया हुआ, लेकिन वही चीफ इंस्पेक्टर 112 या 13 नंबर रेगुलेशन एक बार देखना, वहां पे दिया हुआ है आरआई से ना, आरआई से लेना पड़ता है, ठीक है। सब लोग बोल रहा आरआई तो ठीक है, और किसका क्या डाउट आ रहा था, 60 मीटर 60 मीटर क्या बोल रहे थे यार, वो एक बार क्वेश्चन पूछो तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। डीजीएमएस सर्कुलर, वाटर स्प्रे 1860-90 पे, हाँ ब्लास्टिंग का देखो अभी सेफ्टी वीक स्टार्ट हो रहा है ना, सेफ्टी वीक में कुछ बिजी हो जाएंगे, मतलब एक दिन सेफ्टी वीक में अभी जैसे क्या जैसे एमपी का रिव्यू करना है तो उसमें चले जाएंगे, कल हो जाएगा क्या, 7 तारीख को सेफ्टी वीक है, 7 तारीख के सुबह में क्लास नहीं हो पाएगा, उस दिन अगर शाम में फ्री होंगे तो शाम में क्लास होगा, ठीक है ना।
सर जो वाटर स्प्रेइंग करते हैं 60 मीटर और 90 मीटर है, इसका कोई 60 और किसी का 90 के लिए। अच्छा ये क्वेश्चन सुनो, व्हाट्सएप में एक बार अच्छे से ये क्वेश्चन डाल देना, ठीक है ना? ठीक है ना, वो टोटल 80, टोटल उसके पास 80 माइंस है, ठीक है ना? उसमें 78 का डिटेल बताया हुआ है, 2 माइंस के बारे में नहीं बताया है, वो ध्यान रखना, ठीक है ना? वो तुमसे नहीं पूछेगा 2 माइंस कहाँ गया है। एक बार ये आकाश अनुराग जो भी क्वेश्चन पूछ लो या रंजीत, वो क्वेश्चन एक बार डिटेल में डाल देना ग्रुप में, या पर्सनल मैसेज कर देना, हम देख लेंगे, ठीक है ना? फिर हम डीजे में सर्कुलर से उसको बता देंगे कहाँ कितना दिया हुआ है, ठीक है? तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, काफी हो गया एनुअल रिपोर्ट तुम लोग का कंप्लीट, अब एनुअल रिपोर्ट से इससे ज्यादा एक भी नहीं आएगा, ठीक है? तो थैंक यू, कल रात में 12 बजे के लगभग कुछ लिंक शेयर किए हुए हैं, वो चेक कर लेना, ठीक है ना? वहां पे फॉर्म का से मतलब है, सारा चीज डिटेल दिया हुआ।